नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल मेरा पानी मेरी विरासत योजना का पुरजोर विरोध। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में धरने पर बैठे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस नेताओं ने योजना को बताया काला कानून। उन्होंने कहा कि जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता संघर्ष जारी रहेगा, भले ही जेलों में क्यों न जाना पड़े। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार को किसानों की पीड़ा नजर नहीं आती। पलपल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। सरकार द्वारा शुरू की गई मेरा पानी मेरी विरासत सरकार के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। पहले जहां किसान इसका विरोध कर रहे थे, वहीं अब विपक्षी दल कांग्रेस ने खुल करके सामने आना शुरू कर दिया है। योजना के विरोध में प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेता चिलचिलाती गर्मी में भी सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा व भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला आज फतेहाबाद पहुंचे और करीबन एक घंटे तक सांकेतिक धरना दिया। धरने में इलाके के बहुत सारे कांग्रेस नेता भी नजर आए। कांग्रेस नेताओं ने सरकार को इस फैसले को घेरते हुए कहा कि सरकार किसान विरोधी फैसले ले रही है। वहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को काला कानून करार देते हुए कहा कि जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेगी तब तक किसानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर इसके लिए ज़रूरत पड़ी तो जेल भी जाना पड़े तो हिचकिचाएंगे नहीं। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। रणदीप जी सामने आगे आओ।
सर के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग धानबंदी की नादरशाही जो चौटाला सरकार कर रही है उसके विरुद्ध हम सब यहां उपस्थित हैं। हजारों हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां नहीं है, हजारों हजारों किसान आज यहां नहीं है। ये सांकेतिक धरना है क्योंकि लॉकडाउन के चलते आप बहुत सारे लोगों को नहीं बुला सकते। महत्वपूर्ण विषय ये है कि रतिया में जैसा शैलजा जी ने बताया 101,000 एकड़ पर अब आप खेती नहीं कर सकते धान की। 75,000 एकड़ में सरसा ब्लॉक के अंदर धान की खेती नहीं हो सकती। 139,000 एकड़ में कैथल में सीवन और गूला चीका में नहीं हो सकती। 140,000 एकड़ में धान की खेती पर बबैन, इस्माइलाबाद, पीपली इत्यादि इलाकों के अंदर बैन लगा दिया है। खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला जी पीपली से लेकर सरसा तक अगर किसान धान की खेती कर ही नहीं सकता तो किसान रोजी रोटी खाएगा कैसे। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहाँ आए, जैसा शैलजा जी ने कहा, वो झूठ की खेती करके चले गए, लोगों को बरगला और गुमराह करके चले गए। दुष्यंत चौटाला जी ने यहाँ आपकी मौजूदगी में कहा, आपने वो वीडियो चलाया कि खेती पर कोई प्रबंध नहीं, ये बहन जी दिखाएंगी आपको। तो ये 9 मई 2020 का आदेश क्या है? क्या इसमें दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब आज भी किसान को गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं? ऊपर से कहते हैं हम आपका, अगर आपने धान उगाया तो हम आपका धान ही नहीं खरीदेंगे, जैसा शैलजा जी ने बताया। ये कहते हैं सब्सिडी खत्म कर लेंगे, कल आप किसान का सांस लेने का जीने का अधिकार छीन लेंगे। ये तो अंग्रेज की सल्तनत ने नहीं किया, जमीन किसान की, उसके बाप दादा की मलकियत। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला कौन होते हैं? नादरशाही तरीके से धान बंदी करने वाले। इसीलिए शैलजा जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह संकल्प लिया है, आपने मुझे कहा था, इसलिए हमने एक धरना पहले ही गोला चीका में लगाया है, एक इस्माइलाबाद में लगाएंगे, एक शाहबाद में लगाया है और आज रतिया में आपके नेतृत्व में धरना किया है। कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प लिया है आपके नेतृत्व में कि जब तक ये काला आदेश, किसान विरोधी 9 मई 2020 का आदेश वापस नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये कांग्रेस का संकल्प है। दुष्यंत चौटाला यहाँ पे आए थे जी, और जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रेस के बुलाने के बाद तो ये कर रहे प्रदर्शन। आदरणीय मित्र, अब उन्हें कभी शैलजा से पीड़ा होती है, कभी रणदीप से पीड़ा होती है, कभी किसी दूसरे कांग्रेस के साथी से पीड़ा होती है। सच ये है कि सत्ता की अट्टालिकाओं में बैठकर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर, 50 करोड़ के जहाज में बैठकर खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी को चिलचिलाती धरती में, गर्मी में धरती को जो घाव दिए जा रहे हैं वो नजर नहीं आते, उन्हें किसान की पीड़ा नजर नहीं आती। पर वो ये ना समझें, ये प्रजातंत्र है, इसमें अर्श से फर्श तक का समय जनता और किसान तय करवा कर दिखाएगा, ये हमें विश्वास है। उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा उछला है, रणदीप जी ने और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसके बारे में, जिस दिन ये ऑर्डर हरियाणा सरकार के आए, हमने उसी दिन अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों की नज़रों में डाला, मीडिया के साथियों ने भी हमारा साथ दिया और इस मामले को लोगों तक लेकर गए। अब जैसे जैसे समय आ रहा है धान का, किसानों तक ये बात पहुंची है और किसान इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि उसके साथ ये भारतीय जनता पार्टी जजपा सरकार बातें कुछ करती है, करती कुछ और है, हमेशा बरगलाती है हर मुद्दे पर। हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के किसान को, मजदूर को, युवा को इन्होंने बरगलाया है, ये उसकी एक जीती जागती मिसाल है। बहाना कुछ लेते हैं, करते कुछ और हैं। अभी जो ये मुद्दा है धान की खेती का, जिस पर ये रोक लगा रहे हैं 8 ब्लॉक्स पर कि बिल्कुल आप धान की खेती नहीं कर सकते,
उनमें हमारा ये भी एरिया है। यहाँ के किसानों ने बड़ी हिम्मत दिखाई, रतिया के किसानों ने खुद अपने आप सड़क पर आए, अपने मुद्दे को उन्होंने उठाया और लोगों के बीच में लेकर गए। सरकार के पास उन्होंने मेमोरेंडम दिया, लेकिन हमें लगता नहीं कि इसकी सरकार के कान पे जूं तक रेंगेगी। और इनके तालमेल का भी आपको मालूम है कि एक मंत्री आकर क्या बोल देते हैं और ऑर्डर कुछ और है। ऑर्डर आपके पास है, हम आपको अभी दे भी देंगे। कांग्रेस के 3 XMLA हैं, नो वन प्रेजेंट है, अलग अलग समय में पहले आए हैं, वो जरूरी नहीं है कि आए। और ये तो आप उनसे पूछ लेना, अभी कांग्रेस मुद्दा उठा रही थी किसान का, उनसे पूछ लेना, कोई हो सकता है उनका उनकी कोई मजबूरी हो और कोई बात है। बात ये है कि आज के दिन हम मुद्दा उठा रहे हैं और लोग इसमें जुड़ रहे हैं और हम लोगों के मुद्दे के लिए यहाँ पर आए हैं। ये कोई राजनीति नहीं है, हमारे द्वारा ये मुद्दा क्रिएट नहीं किया गया है, ये सरकार की नाकामी है। और हमारा ये जो क्षेत्र है, ये प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ के लोगों ने उठाया, हम उनके लिए उनके बीच में आए। कोरोना जिस तरह से, और ये व्यापक रूप से मीडिया ने इसको उठाया है, कई लोग हैं मीडिया में जो कुछ बातें सही बोल पाते हैं, चाहते तो सब हैं लेकिन बोल पाते बहुत कम लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को दिखाया भी है कि लॉकडाउन आपने इतना लेट किया, क्यों किया, क्या कारण था, या आपने इतनी जल्दी में किया, क्या कारण था कि प्रवासी मजदूर या जो भी लोग थे उनके बारे में आपने सोचा नहीं कि आगे क्या स्थिति बनेगी, इंतज़ाम कैसे किए जाने चाहिए। लॉकडाउन एक दिन में हो गया, लेकिन उस एक दिन में आपने सोचा क्या कि ये कितना लंबा चलेगा, लोगों को क्या दुख तकलीफ होगी। तो ये बातें हैं लॉकडाउन के दौरान, जब प्रवासी श्रमिक निकलने लगे, वो किसका फेलियर था? सड़क पर हमारे प्रवासी श्रमिक क्यों आए, वो किसका फेलियर था? ट्रेन चलाने की बात की, वो आज तक अरेंजमेंट ठीक से नहीं कर पाए हैं। ट्रेन निकलती है, जाना कहीं और है, पहुंच को कहीं और रही है, कोई और ट्रेन ट्रैफिक है नहीं, लेकिन उसके बावजूद ट्रेनों का ये हाल हो रहा है। ट्रेन शुरू आपने की, जैसे तैसे की प्रेशर में आकर, किराया लेने लगे आप तो इनसे। और जब माननीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि आप इनसे पैसा मत लीजिए, ये पैसा देने की, किराया देने की स्थिति में नहीं है, और अगर आपको दिक्कत है तो आप हमें बताइए, कांग्रेस पार्टी इसमें सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन्होंने कहा नहीं, हम राज्य सरकार करेगी 15%, 85% रेलवे करता है, 15% हम करेंगे। उसके बावजूद हमने, हरियाणा कांग्रेस ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर, राहुल जी के निर्देश पर, हमने पैसा देकर 40 लाख रुपया देकर सहयोग किया है। हर एक सहयोग कर सकता है, हर एक नागरिक सहयोग कर रहा है, अपने क्षमता के मुताबिक सभी सहयोग कर रहे हैं। ये नहीं कोई कह सकता कि सहयोग नहीं कर रहे, चाहे संस्थाएं हैं, चाहे नागरिक हैं, चाहे हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जिनमें हमारे मीडिया के साथी भी हैं, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, सब अपने अपने ढंग से मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी जितनी इमदाद हो सके करें। लेकिन ये स्थिति कैसे बनी, प्रवासी मजदूरों का आप हाल देख लीजिए। हरियाणा में कोई आप पॉलिसी नहीं ले पाए, कोई पॉलिसी नहीं ला पाए हैं। हमारे जो मध्यम, निम्न, छोटा, लघु उद्योग है, अपने दुकानदार हैं, आज कारोबार ठप पड़ा है। आपने कह तो दिया कि तनख्वाह दो, 3 महीने की दो, लेकिन जिसकी अपनी कमाई नहीं है वो तनख्वाह के कैसे दे देगा? तो हर तरह से आज के दिन ऐसी दुखदाई हमारे दृश्य सामने आते हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कैसे कैसे लोग, हमारी महिलाएं, बच्चे। मुजफ्फरपुर में हुआ है कि महिला बाहर ट्रेन से निकली।